आठवां दिन जादुई तत्व। कृतज्ञ हृदय निरंतर जश्न मनाता है। W.J. कैमरॉन, पत्रकार और व्यवसायी। भोजन करने से पहले धन्यवाद देना एक ऐसी परंपरा है जो हजारों वर्षों से चली आ रही है। प्राचीन मिस्र के समय में 21वीं सदी में जिंदगी की रफ्तार इतनी तेज हो चुकी है कि लोग अक्सर भोजन के लिए धन्यवाद देने का समय नहीं निकाल पाते हैं। लेकिन खाने पीने जैसे आसान काम का इस्तेमाल अगर आप कृतज्ञ होने के अवसर के रूप में करते हैं तो इससे आपके जीवन में जादू कई गुना बढ़ जाएगा। यदि आप उस समय के बारे में सोचते हैं जब आपको सचमुच बहुत तेज भूख लगी थी तो आपको याद आएगा कि तब आप सामान्य ढंग से सोच भी नहीं पा रहे थे, ठीक से काम नहीं कर पा रहे थे, शरीर में कमजोरी महसूस हो रही थी, हो सकता है आप कांपने भी लगे हों, आपका दिमाग दुविधा में पड़ गया था और आपकी भावनाएं रसातल को छूने लगी थी, और यह सब चंद घंटों तक कुछ न खाने से ही हो सकता है। दरअसल आपको जीने, सोचने, अच्छा महसूस करने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है, इसीलिए भोजन के लिए कृतज्ञ होना सबसे बड़ी बात है। भोजन के लिए अधिक कृतज्ञता महसूस करने की खातिर एक पल का समय निकालें और उन सभी लोगों के बारे में सोचें जिन्होंने आपके खाने के लिए भोजन उपलब्ध कराया। आपको ताज़े फल और सब्जियां मिले, इसके लिए किसानों को फल और सब्जियां उगानी पड़ी, उन्हें लगातार सींचना पड़ा और कई महीनों तक उनकी रक्षा करनी पड़ी, तब कहीं जाकर वे कटने के लिए तैयार हुई। फिर फसल काटने वाले, पैक करने वाले, वितरण और परिवहन करने वाले लोग जो दिन रात बहुत लंबी दूरियां तय करते हैं, ये सभी लोग मिलकर पूरे सामंजस्य के साथ काम करते हैं ताकि यह सुनिश्चित हो जाए कि हर फल और सब्जी आप तक ताज़ी पहुंचे और साल भर उपलब्ध रहे। मांस उपलब्ध कराने वालों, मछुआरों, दूध दही बेचने वालों, चाय कॉफ़ी उगाने वालों और सभी फूड पैकेजिंग कंपनियों के बारे में सोचें जो हमारे भोजन को तैयार करने के लिए अथक श्रम करते हैं। दरअसल विश्व का आहार उत्पादन एक अद्भुत ऑर्केस्ट्रा है जो हर दिन होता है और यह समझ से परे है कि यह सब काम करता है। जब आप इस बारे में विचार करते हैं तो स्टोर्स, रेस्टोरेंट, सुपरमार्केट, कॉफ़ी हाउसेस, हवाई जहाज़ों, स्कूलों, अस्पतालों और संसार के हर घर के लिए भोजन और पेय पदार्थ की आपूर्ति को बनाए रखने में कितने सारे लोग शामिल होते हैं। भोजन एक उपहार है, यह प्रकृति का उपहार है, क्योंकि यदि प्रकृति भोजन उगाने के लिए हमें मिट्टी, पोषक पदार्थ और पानी उपलब्ध ना कराए तो हम में से किसी के पास भी खाने के लिए कुछ ना रहे। पानी के बिना कोई भोजन, वनस्पति, पशु या मानव जीवन संभव नहीं है। हम अपना भोजन पकाते समय, उगाते समय, बगीचे की देखभाल करते वक्त और बाथरूम में पानी का इस्तेमाल करते हैं। हम हर वाहन में, अस्पताल में, ईंधन, खनन और उत्पादन करने वाले उद्योगों में, परिवहन को संभव बनाने में, सड़क बनाने में, कपड़े और संसार के हर उपभोक्ता उत्पाद तथा उपकरण बनाने में, प्लास्टिक, कांच व धातु बनाने में, जीवन बचाने वाली दवाइयां बनाने में और अपने मकान तथा हर अन्य इमारत बनाने में पानी का इस्तेमाल करते हैं। और पानी हमारे जीवन को जीवित रखता है। पानी, पानी, जीवनदायक पानी। यदि इस पृथ्वी पर कोई जादू है तो यह पानी में निहित है। लॉरेन एस्ली, मानव विज्ञानी और प्रकृति विज्ञानी, लेखिका। भोजन और पानी के बिना हमारा क्या होगा? जाहिर है हम इस संसार में रह ही नहीं पाएंगे। हमारा कोई परिजन या मित्र भी यहाँ नहीं रह पाएगा। हमें यह दिन नहीं मिलेंगे और आने वाला कल भी नहीं, लेकिन हम इस सुंदर ग्रह पर एक साथ रह रहे हैं। जीवन को इसकी चुनौतियों और आनंददायी पलों के साथ जी रहे हैं, क्योंकि प्रकृति ने हमें भोजन और पानी का उपहार दिया है। कुछ भी खाने पीने से पहले जादुई शब्द धन्यवाद कहना भोजन और पानी के चमत्कार को पहचानने और कृतज्ञ होने का कार्य है। अविश्वसनीय बात यह है कि जब आप भोजन और पानी के लिए कृतज्ञ होते हैं तो इससे केवल आपके जीवन पर ही असर नहीं होता, आपकी कृतज्ञता संसार की आपूर्ति पर भी असर डालती है। यदि पर्याप्त लोग भोजन और पानी के लिए कृतज्ञ महसूस करें तो इससे दरअसल उन लोगों को मदद मिलेगी जो भूख से दम तोड़ रहे हैं।
और बहुत अधिक ज़रूरतमंद हैं। आकर्षण के नियम के अनुसार तथा न्यूटन के क्रिया व प्रतिक्रिया के नियम के अनुसार सकल कृतज्ञता की क्रिया के समान मात्रा में प्रतिक्रिया उत्पन्न होगी, जो संसार के हर व्यक्ति के लिए भोजन और पानी की कमी की परिस्थितियों को बदल देगी। इसके अलावा भोजन और पानी के लिए कृतज्ञता आपके जीवन में जादू को कायम रखती है। यह आपकी हर प्रिय चीज़ में अपना सुखद सुनहरा धागा पिरो देगी, जिससे आप प्रेम करते हैं और जिसके आप सपने देख रहे हैं। पुराने ज़माने में लोग यकीन करते थे कि जब वे अपनी भोजन और पानी के लिए कृतज्ञतावश प्रार्थना करते हैं तो इससे वह शुद्ध हो जाता था। जब आप क्वांटम फिजिक्स के प्रेषक प्रभाव जैसे नवीन अवधारणाओं और खोज को देखते हैं तो पुराने ज़माने के लोग सही साबित हो जाते हैं। क्वांटम फिजिक के प्रेषक प्रभाव बताते हैं कि अवलोकन की प्रक्रिया उस वस्तु या व्यक्ति में कई परिवर्तन कर देती है जिसे देखा जा रहा है। कल्पना करें कि यदि भोजन और पेय पदार्थ पर कृतज्ञता को केंद्रित करने से उसकी ऊर्जा संरचना बदल जाती है और वे शुद्ध हो जाते हैं, तो आपके द्वारा खाई जाने वाली हर चीज़ आपके शरीर को सर्वश्रेष्ठ लाभ पहुंचाएगी। भोजन और पेय पदार्थ में कृतज्ञता के जादू का अनुभव तत्काल करने का एक तरीका सचमुच उस चीज़ का स्वाद लेना है जिसे आप खा पी रहे हैं। जब आप अपने भोजन या पेय पदार्थ का वाकई स्वाद लेते हैं तो आप दरअसल उसकी कद्र कर रहे हैं या कृतज्ञ हो रहे हैं। प्रयोग के तौर पर अगली बार जब आप कुछ खाएं पिएं या मुंह में कुछ रखें तो उसे निगलने से पहले अपने मुंह में भोजन या पानी के स्वाद पर ध्यान केंद्रित करें। आप पाएंगे कि ऐसा करने पर स्वाद का विस्फोट सा हो जाता है। दूसरी ओर जब आप ध्यान केंद्रित नहीं करते हैं तो स्वाद नाटकीय रूप से कम हो जाता है। यह एकाग्रता और कृतज्ञता की आपकी ऊर्जा ही है जो स्वाद को तत्काल बढ़ा देती है। आज कुछ भी खाने पीने से पहले, चाहे आप भोजन करें, फल खाएं या नाश्ता करें या कोई चीज़ पिए जिसमें पानी भी शामिल है, एक पल निकालकर उस चीज़ को देखें जिसे आप खाने पीने वाले हैं और मन ही मन या जोर से जादुई शब्द धन्यवाद कहें। और यदि आप कर सकें तो बस एक निवाला ही लें और सचमुच उसका स्वाद लें। इससे न केवल आपका आनंद बढ़ेगा बल्कि आपको कहीं अधिक कृतज्ञता महसूस होने में भी मदद मिलेगी। आप मेरी तकनीक भी आजमा सकते हैं जिससे मुझे और अधिक कृतज्ञता महसूस करने में मदद मिलती है। जादुई शब्द कहते वक्त मैं अपनी उंगलियां भोजन या पेय पदार्थ के ऊपर लहराती हूँ, मानो मैं उन पर जादुई धूल छिड़क रही हूँ। मैं कल्पना करती हूँ कि जादुई धूल को जिस भी चीज़ पर छिड़का जाता है वह उसे स्पर्श करते तत्काल शुद्ध बना देती है। मुझे सचमुच लगता है कि कृतज्ञता एक जादुई तत्व है, इसीलिए मैं इसे खाने पीने की हर चीज़ में मिलाना चाहती हूँ। यदि आप इसे अधिक प्रभावी पाएं तो आप इस दृश्य की कल्पना कर सकते हैं कि आपके हाथों में जादुई धूल की एक डिब्बी यानी कि शेकर है और आप भोजन को खाने या पेय पदार्थों को पीने के से पहले उस जादुई धूल को उसमें छिड़क सकते हैं। यदि दिन में किसी वक्त कुछ खाने पीने से पहले आप जादुई शब्द धन्यवाद कहना भूल जाते हैं तो जैसे ही याद आए आँख बंद करके उस समय को याद करें जब आप भूल गए थे, जब आपने खाया पिया था। मन ही मन उसके एक दो पल पहले के दृश्य की कल्पना करें और जादुई शब्द कहें। यदि आप दिन में कई बार भोजन और पेय पदार्थों के लिए कृतज्ञ होना भूल जाते हैं तो इस अभ्यास को कल दोहराएं। आपको अपनी कृतज्ञता बढ़ाने में एक दिन की भी चूक नहीं करनी चाहिए। इस पर आपके सपनों का साकार होना निर्भर करता है। जीवन में भोजन तथा पानी जैसी छोटी छोटी चीज़ों के लिए कृतज्ञ होना कृतज्ञता की गहनतम अभिव्यक्तियों में से एक है। और जब आप इस हद का कृतज्ञता महसूस कर सकते हो तो आप जादू को होते देखेंगे। जादुई अभ्यास क्रमांक 8, जादुई तत्व। अपनी नियामतें गिनें, 10 नियामतों की सूची बनाएं, लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। यह नियामत के लिए अधिकतम कृतज्ञता महसूस करें। नंबर 2, आज कुछ भी खाने पीने से पहले एक पल का समय निकाल कर देखें कि आप क्या खाने पीने जा रहे हैं और उसके लिए मन ही मन या जोर से जादुई शब्द धन्यवाद कहें। यदि आप चाहें
तो अपने भोजन या पेय पदार्थ पर जादुई धूल का छिड़काव भी कर सकते हैं। नंबर 3, आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामें और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज़ के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। धन्यवाद, 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 धन्यवाद।